परिवार नेड़े मिलने का मौका मिलता रहा और इन जी तड़प है पंजाब के लोगों ने पंजाब की सेवा इन्होंने की है और अतवाद के विरुद्ध जिनी जोरदार आवाज इस अखबार ने उठाई है इस परिवार ने उठाई है शायद ही किसी ने एडा बड़ा काम किया। उन्होंने याद में ये कैंप लगना बहुत वधिया शुरुआत है। नहीं असं जन्मदिन भी मनाने गैर एनिवर्सरी भी मनाने पर यह सब तो वधिया तरीका। मैं बात करूंगा, इन्होंने जब मंत्रालय संभाला आज भी आप इनको कहीं पर करें तो सेंसिबल होते हैं, सेवा का जज्बा है। अगर मैं इनसे बात कर रहा था जब इन्होंने मंत्रालय संभाला कि सर यहाँ पे बहुत से कार्य करने वाले हैं, ये कल हुशियारपुर में थे, मैं आपको बताता हूँ हुशियारपुर में भी कल पंजाब की सी तरफ से ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, वहां पर गए एसपी कॉलेज में गए। जज्बा इतना है कि इनको लगा कि वहां पर सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा है तो ये अपने मंत्री वहां पर अटेंड करने के बाद में आज यहाँ पर पहुंचे। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ग्राउंड के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है। उसके बाद मैं बात करूंगा जीएन यूनिवर्सिटी आईएमटी की स्थापना जो है वो भी मेरी आंखों के सामने थी। जीएन आईएमटी बनी 2003 में, गुजरात अंकल ने उसका उद्घाटन करा, उनका सामान बिक्री करने नहीं जाता। जिन गाड़ियों में बैठना हम लोग अपनी शान समझते हैं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके कल पुर्जे ही फवारा में बनते हैं, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, चाहे वो पोर्श हो, उन सबके यहीं पे बनते हैं। तो आज का ये थोड़ा सा मैंने इंट्रो इसलिए लिया कि आपको बता दूं।